नमोर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरेयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोय सबसाहूनम् मंगलम भगवान बीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धरे मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम् प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् मोक्षे मार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मे भूभृताम् ज्ञातारम् वेषु तत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। एक जी ने दर्शन आचार्य उमा स्वामी देव की अनुपम कृति तत्वाद सूत्र अपन नाम मोक्ष शास्त्र आज इसके पांचवें अध्याय के ऊपर चर्चा होनी है। चौथे अध्याय तक जीव तत्व की मुख्यता से वर्णन था, अब इस पांचवें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा है। जीव को छोड़कर बाकी जो पांच द्रव्य हैं उनकी व्यवस्था इसमें बताई गई है। इसी अध्याय में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो संपूर्ण अध्यात्म के और न्याय शास्त्र के मुख्य आधार हैं। वस्तु व्यवस्था के प्रतिपादन करने वाले भी मूल सूत्र, इनको इस अजीव तत्व के बीच में क्यों रखा गया होगा? वास्तविक कारण तो अपन क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा अपनी दृष्टि से विचार में जो आता कि ऐसा लगता है कि चूंकि पहले इस तरह के छपे हुए ग्रंथ तो होते नहीं थे, ताड़ पत्रों पर आचार्य देव बबूल के कांटों से लिखा करते थे और लिखने के बाद में सुरक्षा करने का उनका कोई ऐसा तीव्र भाव नहीं रहता था, यानी किसी श्रावक को सौंप जाएं कि भाई हमने लिखा है तुम संभालना, ऐसा उनको भाव नहीं आता था। जहां लिखा वहीं पेड़ आदि में जो भी कोटर आदि कोई दिखी और रख दिया और आगे बढ़ गए। उसका क्या हुआ, श्रावकों को मिला कि नहीं मिला, बाद में उसकी और कॉपियां हुई कि नहीं, ये सब सोचने के लिए उनके पास अवसर ही नहीं था। एकमात्र विकल्प था कि जो ये भीतरागी जिनेन्द्र भगवान की अनंत सुखमय सुख का रास्ता बताने वाली वाणी है ये सुरक्षित रहना चाहिए, और यदि उसकी सुरक्षितता में हमारा कुछ योगदान बनता है तो हम भी वो दे दें। उसी विकल्प के आधार पर जो सुखी जीवन जीने के लिए
वस्तु व्यवस्था का स्वरूप बताने में सक्षम अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हो सकता है इसी भावना से प्रेरित होकर उन्हें बीचों बीच रखे हों, क्योंकि ताड़ पत्र कहीं भी रखे हों तो पानी आदि के माध्यम से नीचे के गलने की संभावना है और हवा के माध्यम से ऊपर के उड़ जाने की संभावना है। बीज के कुछ अधिक काल तक सुरक्षित रह सकते हैं, तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात यदि बीच में लिख दी जाए तो हो सकता सुरक्षित बच जाए। यद्यपि इसके बीच में अजीव तत्व की चर्चा थी पर वे सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे, तो भले ही अजीव तत्व की चर्चा है तो रहने दो, पर अत्यंत महत्वपूर्ण को तो अपने को बीच में रखना। इसलिए वस्तु व्यवस्था के प्रतिपादक स्याद्वाद शैली को बताने वाले सूत्र इस अजीव तत्व वाले अधिकार में आ गए ऐसा लगता है। अब बाकी वास्तविकता तो स्वयं आचार्य देव जाने या भगवान जाने, अपने ज्ञान गम में तो नहीं है। जो भी रहा हो, खैर कहीं भी आते उससे कोई उनका महत्व तो कम नहीं हो जाता है। पढ़ते हैं अपन अधिकार को। अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव काय हैं, ने ज्ञान दर्शन चेतना से रहते हैं और बहुप्रदेशी हैं। काय यानी बहुप्रदेशी और अजीव यानी चेतना से रहित। द्रव्याणी और ये द्रव्य हैं। जीवाश्च अभी तक जिसकी चर्चा हो गई है और जीव भी द्रव्य है, यानी चौथे अध्याय तक जीव की चर्चा तो करते आए थे पर ये द्रव्य है ये बात नहीं कही थी, उसे यहाँ कह दिया कि जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, अब ये द्रव्य कैसे हैं? ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। यद्यपि ये बात पुद्गल से टकराएगी इसलिए अगले सूत्र में उसका उत्तर देते हुए लिखेंगे रूपिणः पुद्गला, यानी ये जो द्रव्य हैं नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी। ये नित्य और अवस्थित क्या होता? जिनका जो स्वभाव है, जिनकी जो भी स्वचतुष्टयात्मक व्यवस्था है, हमेशा उस रूप ही रहना, ये तो है नित्यता। और धर्म धर्म आदि द्रव्य तो क्षेत्र की अपेक्षा से भी अवस्थित हैं और जीव आदि ये सभी यद्यपि क्षेत्र की अवस्था से तो एक स्थान पर नहीं रहते हैं जीव और पुद्गल, पर संख्या की अपेक्षा से तो ये भी सुनिश्चित हैं। यानी जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इनकी जितनी जितनी संख्या है वह अनादि अनंत है, उसमें कभी घटबड़ होने वाली नहीं है। और धर्म धर्म आकाश तो काल की आगे चर्चा आएगी तो काल भी अपन ले लें, तो ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से भी एक जगह स्थिर, तो इसे स्थिरता को कहते हैं अवस्थित। यानी उनका स्वभाव सुनिश्चित रहना, अनादि अनंत एक रूप बना रहना ये नित्यता है, और उनकी संख्या सुनिश्चित रहना इसका नाम है अवस्थित। और अरूपी स्पर्श स्कंध वर्ण से रहित, अपने इंद्रियगम में ना हो वो अरूपी। तो इस तरह ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी। कौन कौन? धर्म अधर्म आकाश और जीव। चर्चा तो पुद्गल की भी आ गई है पर पुद्गल को कोई अरूपी न समझ लेवे इसके लिए तत्काल लिखते हैं रूपिणः पुद्गला, कि पुद्गल द्रव्य तो रूपी है। यानी इन चार की मुख्यता से हमने अरूपी विशेषण लगाया, पुद्गल को इसमें नहीं लेना, पुद्गल तो रूपी है, उसमें स्पर्श स्कंध वर्ण है, इंद्रियगम भी हो जाता है यदि उसका परिणमन स्थूल हो स्कंध आदि रूप में। तो अब इनकी संख्या कितनी कितनी है यह बता रहे हैं। आकाशा देकत द्रव्याणी, आकाश पर्यंत तक एक एक द्रव्य है। आकाश पर्यंत है ना, पहले सूत्र में जो क्रम बताया था है ना, धर्मा धर्मा काश पुद्गला, उस क्रम के अनुसार आकाश तक जाना है ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश ये संख्या में
एक एक है। निष्क्रियाणी च, और ये निष्क्रिय है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी गति नहीं होती, जहां है वहीं अनादि अनंत अवस्थित। परिणमन तो होता है, उत्पाद व्यय तो निरंतर चालू है, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन लोगों जैसे नहीं जाते हैं, इसका नाम निष्क्रिय। अब इनके प्रदेश कितने, यानी इनका क्षेत्र कितना, कि असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मय के जीवानाम, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव के असंख्य असंख्य प्रदेश हैं, यानी धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी और एक जीव भी असंख्यात प्रदेशी, और प्रत्येक जीव के अलग अलग असंख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश। प्रदेश यानी उनका क्षेत्र, यानी उनका रहने का स्थान, उनकी अपनी जगह, अपन कहें तो उनका अपना घर, यानी कितने में फैल पसर के भी रह रहे के इन सबके असंख्यात प्रदेश। इसके बाद आकाश का, तो आकाश अनंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है, यानी उसका क्षेत्र अनंत प्रदेशों में विस्तृत है। अब इसके बाद पुद्गल का, संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम, पुद्गल के संख्यात असंख्यात और च से ले लेना नौमे सूत्र वाले शब्द, यानी अनंत, यानी पुद्गल द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते। प्रदेश होते मतलब क्या, ये वास्तव में प्रदेश नहीं होते हैं। अगला ही सूत्र है नाणु, कि अणु के प्रदेश नहीं होते, यानी एक शुद्ध पुद्गल परमाणु तो मात्र एक प्रदेश ही है, पर स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण उन पुद्गलों में स्कंद रूप से संगठित होने की क्षमता है। तो यदि अनेक अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर के एक स्कंद बने तो कितने कितने हो सकते, कितने कितने मिल सकते, संख्यात भी असंख्यात भी और अनंत भी। ये जो लोकव्यापी महास्कंद है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, और अपने साथ में जो एक कार्बन वर्गना तेजस वर्गना आदि ये सब अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड है, तो इस तरह अनंत भी हो जाते हैं। पर इनका प्रदेश यानी रह लेते, अरे अकेले पुद्गल का ही क्यों, उसमें ही अनंत अनंत जीव रह रहे हैं। अकेली समस्या पुद्गल की थोड़ी, अनंत अनंत जीव रह रहे हैं, अनंत अनंत पुद्गल रह रहे हैं, एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी काल द्रव्य, इतने रह रहे हैं उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में। स्वयं आचार्य ने प्रश्न उठाया और उसका समाधान दिया है कि रहने में समस्या इसलिए नहीं आती है कि स्कंद होकर के रह लेता है ना पुद्गल, और जीव भी संकोच विस्तार होकर के रहता है, यानी यद्यपि वह असंख्यात प्रदेशी है और लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी, पर लोकाकाश के बराबर उसके असंख्य प्रदेशों का फैलाव तो मात्र एक बार होता है लोकपूर्ण समुद्रात में, बाकी पूरा जीवन यानी अनादि अनंत काल, पूरा जीवन एक पर्याय का नहीं, अनादि अनंत काल, तो उस अनादि अनंत काल में से कभी भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश में फैल करके नहीं रहता, हमेशा सिमट करके ही रहेगा। और सिमटने में उसकी ज्यादा बड़ी से बड़ी अवगाहना बने तो 1000 योजन की बन सकती है, इससे जान तो बन नहीं सकती, और 1000 योजन असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के सामने सिंधु के सामने बिंदु के जितना है, और ये तो सबसे बड़ी, और छोटी लेवे तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग, और निगोद जीवों को लेवे तो उस अंगुल के असंख्यात में भाग में अनंत अनंत जीव रह लेते। तो ये जो जीवों में संकोच विस्तृत होकर के रहने की क्षमता है और पुद्गलों में स्कंद रूप से रहने की क्षमता है, इसके कारण असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में इतने सारे द्रव्यों को रहने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। उदाहरण दिए हैं बहुत सुंदर, एक तो ध्वनि का उदाहरण दिया, एक प्रकाश का उदाहरण दिया, इस हॉल में आप एक ट्यूबलाइट चालू करें तो उसका प्रकाश पूरे में फैल जाएगा,
और पूरे बिल्कुल प्रत्येक स्थान पर ट्यूबलाइट फिट कर लें और सब एक साथ चालू करें तो उस प्रकाश को कहीं समस्या आएगी, ठाक से भरा रहेगा। तो उसी हॉल में एक प्रकाश, एक ट्यूबलाइट का प्रकाश भी रहता है और उसमें ही संख्या तो का रह लेगा, यानी बिल्कुल हर स्थान पर लगा दे रहे, यानी हजारों ट्यूबलाइट और फिर एक साथ चालू कर दें तो उसके प्रकाश को कहीं परेशानी होने वाली नहीं है। ऐसे आवाज ध्वनि कि एक वाद्य यंत्र आपने बजाया, हारमोनियम बजाया, तो एक की ध्वनि पूरे हॉल में गूंज गई। अब आप एक साथ 100 वाद्य यंत्र बजाने लगे तो उस ध्वनि को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, आराम से हॉल में रह लेगी। एक और भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया है बृहद द्रव्य संग्रह में टीकाकार ने, उन्हें ऐसा दिया कि एक गिलास दूध हो उसमें कितनी चीजें समा सकती, पूरा भरा हुआ एक गिलास दूध, कि उतने ही नाप की शक्कर समा जाएगी। धीरे 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 से धीरे शक्कर डालते जाओ, घुलती जाए, तो जितना दूध है ना उतने ही, यानी पूरा गिलास भर शक्कर उसे गिलास दूध में समा जाएगी। उन्हें दाख का उदाहरण लिया है कि उतनी दाख डालो तो वो समा जाएगी, फिर उतनी ही सुइयां डालो तो वो समा जाएंगी, उतने के उतने एक गिलास में। तो जैसी इसमें क्षमता होती है, एक गुड़ रस का भी उदाहरण दिया कि गुड़ रस में भी अनेक अनेक पदार्थ समा जाते हैं उतने से बर्तन वाले गुड़ रस में ही। ऐसे ही इस लोकाकाश की ऐसी विचित्र अवगाहन क्षमता है कि अनंत अनंत द्रव्य बहुत आसानी से रह लेते हैं, कहीं भी किसी को कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश हुए, प्रदेश यानी वैसे प्रदेश नहीं है, उपचार से, यानी वैसे तो इतनी संख्या वाले पुद्गल परमाणु, तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश, और एक पुद्गल परमाणु नाणु, अणु के प्रदेश नहीं होते, यानी अणु मात्र एक प्रदेश ही है, उसके द्वितीय आदि प्रदेश नहीं होते। अभी सब रहते कहाँ हैं कि लोकाकाश वगाहा, ये सब एक लोकाकाश में रहते हैं, ने अलोकाकाश में मात्र आकाश है, ये जो छह द्रव्य हैं ये सब लोकाकाश में। लोकाकाश और अलोकाकाश वैसे कोई अलग से आकाश के भेद नहीं है, आकाश तो एक पूरा अखंड, उस एक अखंड आकाश में जितने हिस्से में छह द्रव्य हैं उतने हिस्से का नाम पड़ गया लोकाकाश और बाकी का नाम पड़ गया अलोकाकाश। जैसे है ना अपना कि एक हॉल पूरा अखंड, अब जितने में मंच बना तो इतने हिस्से का नाम क्या रख देंगे, मंच स्थान, और बाकी का बाकी हॉल। तो हॉल के कोई दो भेद हैं, एक मंच स्थान वाला हॉल और एक बाकी हॉल, तो नहीं, हॉल तो अखंड है पर जितने में मंच बन गया ना तो उसको मंच स्थान नाम दे देंगे। ऐसे जितने में छह द्रव्य रह रहे हैं उतने का नाम लोकाकाश और बाकी का अलोकाकाश, पर मूल में एक आकाश अखंड है, यानी उसमें कोई भेद नहीं कि इतना लोकाकाश और बाकी अलोकाकाश। तो ये सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। कैसे रहते हैं कि धर्मा धर्मो कृतश्ने, कि धर्म और अधर्म द्रव्य तो पूरे लोकाकाश में, यानी बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये लोकाकाश तो बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर एक, यानी रंचमात भी गैप नहीं, छोटे बड़े नहीं, जितना बड़ा लोकाकाश उतना ही बड़ा धर्म द्रव्य उतना ही बड़ा अधर्म द्रव्य पूरे में फैल के रहते हैं, यानी इसमें संकोच विस्तार नहीं होता, पूरे में बिल्कुल यो ऐसे एक के ऊपर एक इस तरह से सब में व्यापक होके रहते हैं। हाँ, यानी इनमें हलन चलन नहीं होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं। निष्क्रिय ने उत्पाद व्यय तो होता है पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे अनादि अनंत रखे रह रहे आकाश है। ने आकाश ही वो काम कर ले, आकाश यदि वो काम करने लगता तो लोकाकाश और अलोकाकाश से भेद ही संभव नहीं होता, क्योंकि धर्म द्रव्य का कार्य गति में निमित्त होना, और ये कार्य यदि आकाश का आकाश करने लगता तो आकाश तो इसके बाहर भी है तो वहां भी जीव पुद्गल चले जाते, तो लोकाकाश की व्यवस्था कैसे बनती फिर। ये मूल उद्देश्य। और दूसरे ये कि जब सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करने वाले हैं तो एक को दूसरे का कार्य सौंपा क्यों जाए, कमी कौन सी है,
एक मंत्री को दो पद सौंप दो, क्यों? आपके पास व्यक्ति नहीं है क्या? क्यों सौंपना दो पद? अपना अपना काम कर रहे, करने दो ना स्वतंत्रता से। यानी एक को दो काम सौंप दें तो दोनों ही काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो दोनों ही ठीक से नहीं हो पाएंगे। अस्तित्व तो नहीं माना जाए, इसमें यही समस्या है ना, कि जब दो काम हैं वो बिल्कुल अलग अलग, यानी रहना, रहने के लिए स्थान देना एक अलग काम, और चलने में निमित्त होना एक अलग काम, दोनों कामों का स्वभाव अलग अलग। तो ऐसे अलग अलग स्वभाव वाले काम एक एक व्यक्ति कैसे कर सकेगा? देखो, लोक में ऐसा कोई एक काम कर सकता कि एक ही व्यक्ति हो परीक्षा हॉल में, तो वो परीक्षा भी दे लेवे और निरीक्षण भी कर लेवे, फिर हम देखते जाएंगे, हमारे रहते कोई नकल नहीं करेगा, तो हम पेपर भी लिखते रहेंगे और देख निरीक्षण भी करते रहेंगे। हो सकता कि यदि तुम्हें परीक्षा देनी है तो निरीक्षण नहीं कर सकोगे, यदि निरीक्षण करना है तो परीक्षा नहीं दे सकोगे। अलग अलग काम है ना, अलग अलग स्वभाव वाले। ऐसे ही रहने में निमित्त होना, रहने के लिए जगह देना, और गमन में निमित्त होना, एक कार्य अलग अलग स्वभाव वाले, इसलिए एक के बस की बात नहीं है। और दूसरे कि ये तो किसी ने काम सौंपे हो तो अपन शंका उठाएं कि एक कोई दो सौंप दे दे तो क्या बिगड़ता, ये तो है ना वस्तु व्यवस्था। तब उसमें क्यों, क्यों के लिए कहां अवसर है? वस्तु व्यवस्था, विज्ञान इसको मानने लगा है, ईथर नॉन ईथर के रूप में धर्म धर्म द्रव्य की सत्ता स्वीकार करता है विज्ञान। यानी वो ये मानता है कि ये कोई अव्यक्त शक्ति ऐसी सर्वत्र व्याप्त है कि जो जीव पुद्गल को चलने में निमित्त होती, और ईथर उसको नाम देते। और यानी जल आदि के अतिरिक्त, जैसे मछली को जल चलने में निमित्त है ना, तो जल तो निमित्त है ही, पर इसके अतिरिक्त एक और कोई ऐसी शक्ति व्याप्त है कि जो उसको प्रेरित, जो उसमें निमित्त होती। और नॉन ईथर के रूप में अधर्म द्रव्य को भी मानते कि कोई एक ऐसी अव्यक्त शक्ति है कि जो जीव पुद्गलों को ठहरने में निमित्त होती। तो विज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया है। अब इतना अवश्य अपन कह सकते हैं कि वे जो स्वीकार कर रहे हैं, यानी उनको ऐसा लग रहा, ख्याल में आया, इसका मतलब वे उसे रूपी स्वीकार कर रहे, पर ये रूपी नहीं है, ये अरूपी है। तो इतना अंतर अवश्य, यानी उनकी पहुंच के बाहर ही है, तो भी इतना अवश्य अपन कह सकते कि उनने भी स्वीकार किया है। यानी ऐसी कोई शक्तियां चाहिए कि जो सबको सामान्य रूप में चलने और ठहरने में निमित्त हो। अब ये तो हुआ लोकाकांक्षी वगाह में धर्म धर्म कृतश्ने, कि धर्म और अधर्म द्रव्य तो संपूर्ण लोकाकाश में फैल करके रहते हैं। अब बाकी जीव पुद्गल कैसे रहते? तो सबसे पहले पुद्गल का बता रहे, एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम, कि पुद्गलों के रहने का एक प्रदेश को आदि लेकर पूरे लोकाकाश में बना सकते। क्या मतलब? कि एक प्रदेश में एक परमाणु रहे, और आकाश के, यानी आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु, उस एक में दो रह लें, उस एक में तीन रह लें, उस एक में हजार रह लें, उस एक में करोड़ रह लें, उस एक में असंख्य रह लें, और उस एक प्रदेश में ही अनंत परमाणु रह सकते। पुद्गल द्रव्य में इतनी संगठित होने की क्षमता है कि मूल में तो आकाश के एक प्रदेश पर एक परमाणु रहता, पर यदि उसकी प्रवृत्ति हो, उसका संगठन हो, तो उस एक प्रदेश में ही अनंत पुद्गल परमाणु रह लेंगे, इतनी क्षमता। तो ये जो पुद्गल द्रव्य है वह एक प्रदेश को आदि लेकर के बाकी सब रूप में विभक्त समझना। यानी एक प्रदेश में एक परमाणु रहता है, एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी रह लेते हैं, और बीच के भी सब असंख्य में भी रह लेते हैं। यानी एक लोकव्यापी महास्कंद, उसमें अनंत प्रदेश है, अनंत परमाणु है, और लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में रह रहा, तो असंख्य प्रदेशों में भी अनंत परमाणु रहते हैं, और एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु रहने की क्षमता इनमें है। अब जीव का कि असंख्य भागादिशु जीवानाम, पर जीव की यह विशेषता कि जीव हमेशा
लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों पर ही रहेगा। असंख्य प्रदेशों से कम में जीव नहीं रह सकता, यानी असंख्यात प्रदेशी जीव का यद्यपि संकोच तो होता है, पर इससे अधिक संकोच नहीं हो सकता कि वो आकाश प्रदेश के एक दो प्रदेशों में रहने लगे। उसके लिए हमेशा ही असंख्य प्रदेश चाहिए। चूंकि असंख्य के भी असंख्य भेद होते हैं, तो असंख्यात्मा भाग उसमें भी असंख्य प्रदेश, पर असंख्य प्रदेश से कम में जीव कभी भी रहना संभव नहीं है जीव का। अभी प्रश्न उठाए कोई कि ऐसा कैसे हो सकता, जीव तो असंख्य प्रदेश ही है, तो जब वो असंख्य प्रदेशी है तो असंख्यात में भाग में कैसे रह लेगा फिर वो, यानी इतना बड़ा है तो इतनी सी जगह में कैसे रह लेगा। उसका उत्तर, प्रदेश संघार विशर पाभ्याम प्रदीप बत, दीपक के समान, यानी दीपक का प्रकाश, तो जैसे एक दीपक को एक घड़े में रख दें तो उसका प्रकाश पूरा उतने में ही रह लेता है, फिर उस एक दीपक को बिल्कुल हॉल में रख दें बहुत बड़े हॉल में तो उसका प्रकाश उसमें फैल जाता है। तो जैसे दीपक के प्रकाश में संकुचित होने की और विस्तृत होने की क्षमता है, इसलिए वो छोटे से बर्तन में भी रह लेता है और बड़ी जगह में भी रह लेता, ऐसे जीव के प्रदेशों में संघार विसर्पाभ्याम, संघार सिमटने की क्षमता, विसर्पण फैलने की क्षमता, यानी संकोच और विस्तार की क्षमता, तो संकोच और विस्तार की क्षमता प्रदेशों में होने के कारण असंख्यात में भाग में भी आसानी से एक जीव का रहना हो जाता है। पुद्गल की अपेक्षा लें तो उतने में अनंत जीव रह रहे हैं, निगोद जीवों की अपेक्षा लें तो अनंत जीव भी रह रहे हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आती। अब इसके बाद प्रकरण बदल रहा है कि ये जो लोकाकाश में छौं द्रव्य रह रहे, स्थान तो छोटा है और रहने वाले अनंतानंत है, तो जब छोटे स्थान में अनंतानंत द्रव्य रहेंगे तो नियम से इनके क्रियाकलापों के बीच में कुछ ना कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य बनेगा अपने आप यानी कि जैसे आप अपने घर में अपनी रीति से काम कर रही थी और मैं अपने घर में अपनी रीति से काम कर रही थी और फिर आके बाद में बातचीत की तो मैंने कहा आज मैंने 10 बजे भोजन किया था, मैंने भी ठीक 10 बजे भोजन किया था, यानी आज मैंने 11 बजे बर्तन मांजे थे, मैंने भी ठीक 11 बजे बर्तन मांजे थे, ऐसा कैसे हो गया। आप अपने घर में थी, मैं अपने घर में थी, तो एक साथ काम कैसे बन गया, कि वो सभी को वो काम करने हैं ना, तो यद्यपि कर रहे थे अपने अपने हिसाब से, यानी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं था, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं था, मैंने अपनी स्वतंत्रता से अपना काम किया, आपने अपनी स्वतंत्रता से अपना काम किया, पर चूंकि वो सब काम सभी करते हैं ना, तो बिना किसी प्लानिंग के अपने आप ही ऐसा सहज योग बन जाता कि जिस समय जो काम मैंने किया ठीक उसी समय वो काम आपने किया। अब तीसरा कोई देखे तो हाँ बस कोई ना कोई प्री प्लान इनका होगा, ऐसा कैसे हो गया। 10 बजे इनने भोजन किया, 10 बजे इनने, इसका मतलब कोई ना कोई सूचना दी कि देखो हम भोजन को बैठ रहे हैं, आप भी भोजन को बैठ जाना। तो तीसरा ऐसा भी कह सकता हूं उसको कि जब एक ही समय पर दोनों ने काम किए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सूचना दी होगी, कुछ ना कुछ तो समाचार भेजा होगा कि हाँ इस समय तुम्हें करना, तब तो एक साथ बना। पर वस्तु स्थिति से देखें तो कि किसी ने किसी को कुछ भी सूचना नहीं दी थी, अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे थे और फिर भी सहज में ऐसा संबंध बन गया, क्योंकि सभी सक्रिय थे, सभी को वो काम करने थे, तो किए तो अपनी अपनी स्वतंत्रता से, पर सभी वो काम कर रहे थे ना, तो ऐसा संबंध बन जाता है। ऐसे ही ये इतने सारे द्रव्य, यानी अनंतानंत द्रव्य, असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में रह रहे और सभी परिणमनशील है, सभी में उत्पाद में हो रहा और जीव पुद्गल तो सक्रिय भी है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यद्यपि इनके बीच में कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई एक दूसरे को सूचित नहीं करता, कोई पहले से सलाह मशवरा नहीं होता, तो भी अपने आप ही इनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता, यानी बिना किसी सूचना के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सलाह के,
अपने आप बनता रहता। तो किसका किसके साथ में कैसा कैसा बनता है यहाँ उसकी चर्चा कर रही। गतिस्थित पग्रह धर्मा धर्म और उपकारा, गति स्थिति इसका उपग्रह धर्म और अधर्म का उपकार है। यानी धर्म द्रव्य गति में निमित्त बनता है और अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त बनता। यानी चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में निमित्त बनता है धर्म द्रव्य, और चल करके ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में निमित्त बनता है अधर्म द्रव्य। अब यहाँ उपकार शब्द आया, लोग में तो उपकार को भलाई कहते हैं, वे उपकार करना चाहिए, परोपकार करो, है ना, दूसरों की भलाई करो। पर वास्तव में उपकार का अर्थ भलाई नहीं होता है, उपकार का अर्थ होता समीप में कार्य करने वाला। और समीप में कार्य का मतलब काल प्रत्याशक्ति और भाव प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति यानी निकटता, यानी दो द्रव्यों में एक ही समय में कार्य हो, इसको तो कहते काल प्रत्याशक्ति। और वे कार्य इस परख हो कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये इसमें अनुकूल हुआ है, और उसके कारण उस पर निमित्तता का आरोप वो लगाए, निमित्तता का आरोप करे। तो ऐसे जो कार्य होते उसे कहते भाव प्रत्याशक्ति, है ना, भाव की निकटता। इसका मतलब क्या कि मान लो आपकी आंख ऐसे बंद होनी थी, और जिस समय बंद होनी थी उसी समय मैंने यहां से रूमाल फेंका और वो आपकी आंख से टकराया, तो क्या क्या कहेंगे आप, मैंने रूमाल फेंका ना इसलिए मुझे आंख बंद करनी पड़ी। इसको बोलेंगे भाव प्रत्याशक्ति। और काल कि जिस समय आपकी आंख बंद हुई उसी समय रूमाल गया आपके पास, तो एक काल प्रत्याशक्ति। यानी दो कार्य एक साथ घटित हुए पृथक पृथक द्रव्यों में, और वो इस परख घटित हुए कि कोई भी देखे तो उसे ऐसा लग सकता है कि ये इसमें अनुकूल हुआ, इसके कारण ये हुआ। यानी ये रूमाल आंख में लगा इसलिए आंख बंद हो गई, यदि नहीं लगा होता तो आंख बंद नहीं होती। तो ये भाव प्रत्याशक्ति। तो ये जिन कार्यों के साथ में बन जाती है उन्हें कहते हैं उपकार। यानी समीप में कार्य किया, उप प्रत्यय समीप का वाची, उप उपसर्ग, तो उप उपसर्ग ये समीप का वाची होता है। तो जन सामान्य में प्रसिद्ध है, अपना बापू नगर उपनगर कहलाता ना, तो उपनगर क्या होता है, ये नगर तो समझते, उपनगर क्या होता है, नगर के समीप का हिस्सा। यानी स्वतंत्र नगर तो नहीं है पर मूल नगर में मिला हुआ भी नहीं है। यानी पूरा स्वतंत्र नगर तो जयपुर, और बाकी वही आसपास के जो वार्ड हैं बड़ी चौपड़ आदि, तो वे तो उपनगर नहीं कहलाते, क्योंकि वे मूल नगर में ही मिले हुए। और ये बापू नगर यद्यपि मूल नगर में मिला हुआ तो नहीं है तो भी स्वतंत्र नगर भी नहीं है। यानी दोनों ही इसमें बातें हैं कि स्वतंत्र नगर होता तो उपनगर नाम नहीं कहला पड़ता, और मूल नगर में मिला होता यानी जो मूल नगर जितनी है उसका एरिया उसके ही वार्ड होते तो उपनगर नाम नहीं पाता। तो उपनगर नाम कब पड़ा कि मूल नगर के इतने समीप है कि उसे पृथक नगर नाम तो नहीं दिया जा सकता, परंतु इसकी अपनी बाकी व्यवस्था स्वतंत्र है। मूल नगर के समीप इसलिए उपनगर नाम दिया, स्वतंत्र नगर नाम नहीं दिया। तो फिर उपनगर क्यों दे रहे हैं कि बाकी व्यवस्थाएं स्वतंत्र है ना, उस नगर से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। यानी जयपुर में कर्फ्यू लगा हो तो अपन निकल सकेंगे कि नहीं आराम से, और बापू नगर में कर्फ्यू लग जाए तो जयपुर वाले निकल सकेंगे कि नहीं आराम से, कोई लेना देना नहीं। यानी मूल नगर के कर्फ्यू से अपना एरिया प्रभावित नहीं होगा, और अपने एरिया में लगे हुए कर्फ्यू से वो एरिया प्रभावित नहीं होगा। यानी दूरी भी इतनी है कि ऐसी कोई समस्याएं बने तो अप्रभावित भी रहेंगे, पर स्वतंत्र नगर नहीं है। यानी ऐसी कोई स्वतंत्र नगर पालिका नहीं है कि जैसे जयपुर और अजमेर की, ऐसी कोई स्वतंत्र नगर पालिका नहीं है, इसलिए उपनगर। तो उप याने होता समीप, और कार्य याने करने वाला, कुंभकार होता ना, कुंभम करोति इति कुंभकारा, यानी कुंभ को जो करता है वो कुंभकार। ऐसे समीप में जो कार्य करता है वह कहलाता उपकार। तो समीप का अर्थ क्या कि बाकी समीपता नहीं, ऐसे क्षेत्रगत समीपता से मतलब नहीं है। देखो इसको ऐसा नहीं,
माइक और आप ममता, माइक मेरे समीप है कि आप समीप है? माइक समीप, वो तो कुछ नहीं ग्रहण कर रहा है ना। क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तब तो माइक समीप है, पर यहां समीपता कब कहलाएगी? यानी मैंने आपको समझाया, मैं सब आज तो बहुत अच्छा समझ में आया। क्यों? आज बिल्कुल दीदी के पास में बैठे थे हम, रोज तो पीछे बैठ जाते थे ना, तो कोई ज्यादा समझ में नहीं आता था, आज पास में बैठे थे तो पास में बैठने समझ में आता ना, तो माइक तो मेरे और ज्यादा पास है, तो इसे कितना समझ में आएगा। इसका मतलब क्षेत्रगत समीपता से नहीं है मतलब, वो कालगत समीपता, कालगत समीपता है ना, ये काल में दोनों के अंदर कार्य हुआ, और वो भावगत समीपता कि मैं जो समझा रही हूं उसमें अपना मन आपने एकाग्र किया, वो उसी समय, आगे पीछे नहीं, यानी जिस समय मैं समझा रही हूं उस समय तो व्यग्र बने रहो, ऊपर बाद में एकाग्र करना तो समझ में नहीं आएगा। तो जिस समय मैंने समझाया उसी समय आपने मन एकाग्र किया, तो ये समय वाली निकटता यानी एक समय और लगभग एक जैसा भाव, यानी यहां समझाने का भाव तो वहां समझने का भाव, तो ये बनेगा तब कहलाएगी वो प्रत्यशक्ति, यानी तब कहलाएगा वो उपकार कि समीप में कार्य किया। और क्षेत्रगत, क्षेत्रगत से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्षेत्रगत तो ये ज्यादा पास है और इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वैसा का वैसा बैठा है, कुछ भी असर नहीं। तो क्षेत्रगत समीपता नहीं लेना, कालगत और भावगत, यानी एक ही समय में दोनों कार्य हों अलग अलग द्रव्यों में, और ऐसे कार्यों के जिससे अनुकूलता का आरोप आ सके, कि कोई समझेगा तो उसमें समझने वाला निमित्त बनेगा, तो समझने वाले पे आरोप कर देंगे कि इनने समझाया इसलिए हमें समझ में आ गया, पर वो एक साथ होगा तो ये जो निमित्त नियमित संबंध बनता है, इसे एक शब्द में कहना हो तो कहा जाता है उपकार, यानी समीप में कार्य करना। तो ये धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार है, यानी जिस समय जीव और पुद्गल चलते हैं उस समय धर्म द्रव्य उसमें निमित्त हो जाता, यानी धर्म द्रव्य का परिणमन उसमें निमित्त बन जाता, और जिस समय चलते हुए जीव पुद्गल रुकते हैं तो उस समय अधर्म द्रव्य का परिणमन निमित्त हो जाता। तो एक काल प्रत्यशक्ति और भाव प्रत्यशक्ति जहां होती उस कार्य को कहते हैं उपकार। तो यहाँ उपकार का अर्थ भला, क्यों ये यहां से हमने यहां किया, तो पहले यहां था ना, मान लो वहां से यहां आया था, तो पहले वहां से यहां का धर्म द्रव्य इसमें निमित्त हुआ था, अब यहां से यहां किया तो यहां जो धर्म द्रव्य के प्रदेश है वो इसमें निमित्त हो गए, और फिर यहां रख दिया तो यहां के जो अधर्म द्रव्य के प्रदेश है बेनिमित्त हो गए, और पहले यहां रखा था तो यहां के अधर्म द्रव्य के प्रदेश थे बेनिमित्त थे। पुद्गल में कहां समस्या है? कार्य कारण में तो उपादान उपादेय का भी होता, और निमित्त नैमित्त में मात्र निमित्त वाला यानी उपादान वाला नहीं लेना। कार्य कारण व्यवस्था में जो व्यापक व्यापक कार्य कारण व्यवस्था यानी उपादान उपादेय वाली वो भी आ जाएगी, और निमित्त नैमित्त वाली भी आ जाएगी, और निमित्त नैमित्त में मात्र निमित्त नैमित्त वाली आएगी। ऐसा ले लें कि जैसे मनुष्य और पुरुष, इनमें क्या अंतर? ये मनुष्य में तो सभी आ जाएंगे, स्त्री भी पुरुष भी नपुंसक भी, और पुरुष में अकेले पुरुष आएंगे, तो यानी पुरुष व्याप्त हुआ और मनुष्यपना व्यापक। ऐसे ही कार्य कारण व्यवस्था ये व्यापक, यानी उसमें सारे भेद गर्भित हो जाएंगे, और निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था ये व्याप्त, यानी उसमें अकेली निमित्त नैमित्तिक संबंधी कारणकारी व्यवस्था आएगी, बाकी नहीं आएंगे उपादान उपादेय वाली, व्याप्य व्यापक वाली, ये कोई भी नहीं आएंगे उसमें। तो इस तरह उपकार का अर्थ हुआ निमित्त नैमित्तिक संबंध, यानी उस द्रव्य किसी द्रव्य में जिस समय कार्य हो रहा तो उसकी प्रत्याशक्ति किस द्रव्य के कार्य के साथ बन रही है, तो जो उसमें निमित्त होगा उसे कहेंगे उसका उपकार करने वाला। तो गति और स्थिति ये धर्म और अधर्म का उपकार है, यानी इसमें निमित्त बनता है धर्म और अधर्म, धर्म गति में और अधर्म स्थिति में। ये धर्म धर्म स्वतंत्र द्रव्य, ये धर्म धर्म रूप जीव के परिणाम नहीं, यानी जैसे जीव द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मा के एक स्वतंत्र द्रव्य है, वैसे ये धर्म और अधर्म द्रव्य
उत्पाद व द्रव्यात्मक सामान्य विशेषात्मक स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य है। अब आकाश द्रव्य का आकाश श्यावगाहा, आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? ये सबको जगह देना, अवगाहन देना, यानी सब द्रव्य रह रहे हैं तो कहाँ रहेंगे कि आकाश द्रव्य में। अब दो रहना आ गए, एक तो अधर्म द्रव्य वाला और एक आकाश द्रव्य वाला, तो इनमें अंतर क्या कि चल करके ठहरे, इसमें तो निमित्तता है अधर्म द्रव्य की, और स्थाई जो रह रहे हैं इसमें निमित्तता है आकाश की। यानी आप यहां से यहां आए और फिर यहां रुके, तो ये जो रुके इसमें निमित्तता तो हुई यहाँ के अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की, और आकाश में ये सारा काम कर रहे थे ना, वहां रह रहे आप, यानी अनादि अनंत अपन इसी आकाश में लोकाकाश में रह रहे, तो इसमें निमित्तता है आकाश की, इतना समझ लेना। यानी चल करके ठहरने रूप रुकने रूप इसमें निमित्तता अधर्म द्रव्य की, और स्थायी रुकने रूप स्थायी रहने में निमित्तता आकाश द्रव्य की। अब पुद्गल की, शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम, शरीर वचन मन और प्राणा पाना ने श्वासोच्छ्वास, ये सब पुद्गल का उपकार है, यानी पुद्गल की संरचना है, यानी पुद्गल भी हमारे लिए उपकार कर, हमारे प्रति उपकार कर रहा, क्या उपकार, ये शरीर की संरचना हो गई, वचन निकल रहे हैं, मन बन गया, श्वासोच्छ्वास चल रहा, तो यहाँ जीव के जीवन रहने की योग्यता और वहां शरीर की ये सब क्रियाएं होने की योग्यता और दोनों एक साथ बन गई, तो कह दिया ये पुद्गल ने उपकार किया, शरीर टिका है, इसका मतलब कि जीव की रहने की अभी योग्यता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ये शरीर का जीव के साथ। और भी कुछ उपकार हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख देना यानी अनुकूल सामग्रियां, दुख प्रतिकूल सामग्रियां, जीवित जीवन मरण, ये सब भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, यानी इन सब में भी पुद्गल द्रव्य निमित्त बनता, अनुकूल सामग्री मिली पौद्गलिक थी, प्रतिकूल सामग्री मिली पौद्गलिक है, जीवन रहा श्वासोच्छ्वास से नापा जा रहा, मरण हो गया श्वासोच्छ्वास खत्म, तो ये सब पुद्गल द्रव्य का उपकार है ना, पुद्गल द्रव्य के माध्यम से ये सारी क्रियाएं चल रही, उसमें पुद्गल द्रव्य निमित्त है। अब ये जो प्रकरण है ना, इससे भी अपन और उसको स्पष्ट समझ सकते हैं कि यदि उपकार का अर्थ अपन जैसा कि लोक में प्रचलित है भलाई, वैसा अर्थ करें तो सुख को तो भलाई में ले सकते, दुख को, यहां तो दुख भी गिना रहे ना, जीवन को भलाई में ले सकते, मरण को, यहां तो मरण को भी गिना रहे है ना। पुद्गल द्रव्य ने क्या क्या उपकार किया कि सुख दिया दुख दिया, यानी गर्मी लग रही थी ना तो पंखा चालू हो गया तो सुख दिया, और फिर मौसम एकदम ठंडा हो गया और वहां वो स्विच गड़बड़ हो गया तो पंखा बंद ही नहीं हो रहा, तो बहुत बेचैनी हो रही, कितना ठंडा मौसम हो गया पंखा बंद नहीं हो रहा, तो वो पंखा दुख देने लगा। तो यदि भलाई माने इसका अर्थ, उपकार का अर्थ भलाई करें, तो सुख को तो जैसे तैसे भलाई अपन मान भी ले, जब वो दुख में निमित्त बनेगा तब क्या होगा, इन्हें इंजेक्शन लगाया तो उसे दवा शरीर में गई और बीमारी मिट गई, तो इसको आप भलाई मान भी ले, पर जब सुई चुभ गई तब, कपड़े सिल रही थी सुई चुभ गई, तब क्या करेंगे, फिर उसको ही भलाई कहेंगे ना, सब उसे दुख हुआ हमें, तो इसका मतलब उपकार का अर्थ भलाई नहीं है। ऐसी मरण यानी जीवन को तो अपन उपकार मान ले, तो भी जीवन चल रहा है ना, श्वासोच्छ्वास व्यवस्थित रहती है, जीवन टिका है, तो इसको भलाई मान ले, पर ये मरण में भी तो निमित्त बनता ना, विष खाया खत्म खेल, तो उस विष को क्या कहेंगे, और भी कुछ भी ऐसे एक्सीडेंट हो गया खत्म, क्या कहेंगे उसको, तो इसका मतलब उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, समीप में कार्य करना यानी निमित्त होना, यानी जिसका जिसके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा उसने उसका उपकार किया, ये भाषा प्रयोग में आ जाएगी। अब जीवों का, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसी प्रकार जीवों के भी परस्पर में उपकार होता है, यानी इनके भी घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, एक को समझाने का भाव आया, दूसरे को समझने का भाव आया, एक को भोजन कराने का भाव आया तो दूसरे को भोजन करने का भाव आया,
ये को दर्शन करने का भाव आया तो दूसरे को दर्शन देने का भाव आया, ऐसे सब में समझ लेना। तो ये परस्पर के उपकार है। एक को सेवा करने का भाव आया तो दूसरे को सेवा कराने का भाव आया। एक को नाटक करने का भाव आया तो दूसरे को नाटक देखने का भाव आया। तो ये सब परस्पर के नियमित संबंध। तो ये ऐसा जीवों में भी परस्पर में बनता रहता। तो परस्पर उपग्रह जीवा नाम, यानी जीवों में भी, जीवों के भी परस्पर में बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते रहते। कितने घनिष्ठ? यहाँ 2:30 बजे से शुरू हुआ ना, आप अपनी योग्यता से आए, मैं अपनी योग्यता से आई, और फिर भी दोनों एक साथ आ गए और कार्यक्रम एक साथ चल रहा। ऐसे घनिष्ठम संबंध यानी हुआ है सबका अपनी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से। आप मेरे कारण नहीं आए और मैं आपके कारण नहीं आई, तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठतम कि एक साथ हजारों की भीड़ जुड़ जाती एक समय में, और आए सब अपनी अपनी योग्यता से। इसको कहते परस्पर उपग्रह जीवा नाम, कि जीवों के भी परस्पर में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते रहते। अब काल द्रव्य का वर्त, अन्य का तो नहीं लिया गया, पुद्गल का लिया है। ये जो यहां दिया ना च शब्द, मर सुख दुख जीवित मरणो पग्रहाश्च बता रही हूं ना, तो ये जो च शब्द दिया है इसमें से आचार्य अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ वार्तिक, जो राजवार्तिक नाम से प्रसिद्ध है, उसमें इसकी मीमांसा की है कि बीच में च शब्द क्यों दिया, कि इन उपकारों को दोनों ओर जोड़ना, यानी ये जीव के पुद्गल के प्रति, पुद्गल के प्रति, जीव के प्रति, और पुद्गल का जीव के प्रति, ऐसा जोड़ना। तो जीव का पुद्गल के प्रति कैसा, ये जो बना है ना, ये क्या है, यानी कितने ही तो अपने आप बन रहे, जैसे पर्वत बन गई, नदी बन गई, और चट्टाने आदि बन गई, वो तो अपने आप बन गई, पर ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से बने हुए। घड़ा बनाया, रोटी बनाई, कपड़े बनाए, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये जीव का पुद्गल के प्रति निमित्त हो गया, और पुद्गल का जीव के प्रति तो स्पष्ट, और पुद्गल का पुद्गल के प्रति, कि जैसे बेंच थी, लकड़ी थी, तो इस पे ये तेल नहीं लगाया होता, वार्निश नहीं लगाया होता, तो जल्दी टूट जाती, हट जाती, कीड़े आदि लग जाते, और वार्निश लगा दिया तो टिकाऊ हो गई, काफी स्थिर हो जाएगी। बर्तन मेला था और फिर राख से साफ कर लिया, तो उस राख ने उस बर्तन का उपकार किया। कपड़ा गंदा था, साबुन लगाई तो उपकार हो गया, कि उस साबुन से वो गंदगी कट गई। तो सब पुद्गल का पुद्गल के प्रति, यानी जीव का जीव के प्रति, जीव का पुद्गल के प्रति, पुद्गल का पुद्गल के प्रति, और पुद्गल का जीव के प्रति, ये जो च शब्द है इसमें से सब ओर से संबंध लगा लेना। अन्य द्रव्य के साथ में नहीं बनता, वैसे लें तो एक दृष्टि से बन सकता है, गेय ज्ञायक रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध से बन सकता, बाकी और किसी माध्यम से नहीं बन सकता, क्योंकि उनको कौन जानेगा, धर्म अधर्म आकाश काल इनको कौन जानेगा, विषय हम तो जानते नहीं है। तो जीव ने जाना, तो जीव का वो नैमित्तिक कार्य हुआ और वे उसमें निमित्त हुए, क्योंकि वे नहीं होते तो जीव जान भी नहीं पाता। तो इस तरह से गेय ज्ञायक रूप जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसे अपेक्षा से देखें तो उपकार किया कहा जा सकता, कि उनमें जो प्रमेयत्व गुण था उसकी सार्थकता जीव के माध्यम से हो गई, नहीं तो प्रमेयत्व प्रमेयत्व ही रह जाता, कोई जान ही नहीं पाता। तो जीव है ना, तो जीव ने जान लिया, तो उनके प्रमेयत्व गुण की सार्थकता हो गई, इतना। बाकी और कोई वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उनमें नहीं है, क्योंकि उनमें पर सापेक्ष कोई पर्याय वास्तव में होती नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल इनमें अनादि अनंत स्वाभाविक परिणमन है, इनमें पर सापेक्ष कोई परिणमन नहीं होता, इसलिए हाँ। तो वो तो धर्म द्रव्य निमित्त बना, इनका प्रश्न है कि जीव ने उसके ऊपर क्या उपकार किया, यानी जैसे धर्म द्रव्य जीव के लिए निमित्त हुआ ना, वैसे जीव धर्म के लिए किसी काम में निमित्त होता हो, इनका प्रश्न ये है कि जीव भी वैसे ही धर्म के किसी काम में निमित्त होगा क्या? धर्म तो निमित्त हो गया अपने चलने में, अब जीव उसका उपकार, उसका प्रत्युपकार तो करना चाहिए ना, उसने उपकार किया तो अपन प्रत्युपकार करें, तो अपन प्रत्युपकार कर देंगे जान के,
और जान के नहीं मान के भी कि भाई तेरा काम है चलने में निमित्त होना, तो मैं पूर्णतया तेरा ही वो काम रहने दूंगा, मैं अपना काम वो नहीं मानूंगा। तो स्वतंत्रता से ईमानदारी से काम करते रहना, मैं आप तो तेरे काम को हड़पूंगा नहीं। ये नहीं होता वाली बात तो ये कोरी कल्पना की उड़ाने हैं, नहीं होता लाए कहां से। फिर तो ये भी तो कह सकते कि जीव पुद्गल होता और धर्म अधर्म नहीं होता तो जीव पुद्गल बेचारों का क्या होता फिर, यानी वो तो फिर दोनों ओर से बात बन जाती ना। नहीं होते वाले तो वो कल्पना की उड़ान है, उसमें कोई दम नहीं, फिर कुछ ही नहीं होता। युगल जी साहब पता है इसको क्या कहते हैं, जब भी कोई उनके सामने ऐसा प्रश्न खड़ा करता तो वे सीधा कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों, मैं ही नहीं होता फिर तो सारी समस्या खत्म हो जाती ना। लगाओ तो वैसा लगा लो, जीव पुद्गल के कारण कार्य दिखाई दे रहा तो वैसा लगा तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहना उनके कार्य की अभिव्यक्ति जीव पुद्गल के माध्यम से हो रही, अन्यथा वो कार्य अभिव्यक्त होता ही नहीं है ना। इस माइक में आवाज का प्रेषण करने की क्षमता है, आवाज को काफी दूर तक भेज सकती, पर अपन बोले ही नहीं तो अपन ने बोला तो इसको अपना कार्य व्यक्त करने का अवसर मिल गया, तो कह सकते कि इतना हमने उपकार किया, नहीं तो इसके कार्य को कौन पूछता, कौन जानता कि इसमें कितनी क्षमता है। तो हमने बोला तो इसके कार्य का ज्ञान हो गया ना, तो इसका मतलब हमने इसके ऊपर उपकार किया कि इसके कार्य इसके लिए तो कहा है ना कि इस काल्पनिक उड़ान में कोई दम नहीं है, क्योंकि नहीं होता वाली बात लाए कहां से। और फिर जब धर्म धर्म नहीं होता तो आप भी तो नहीं होते ना, नहीं होता तो कुछ ही नहीं होता ना, फिर एक होता दूसरा नहीं होता ये कहां से लाए फिर। तो मूल तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञेय ज्ञायिक संबंध के रूप में बन रहा, और कार्य की अभिव्यक्ति के रूप में मानना हो तो वो भी मान सकते, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। तो उनका जो कार्य है यानी कार्य करने की क्षमता, कारण बनने की क्षमता, तो वो अभिव्यक्त होती है अपने चलने फिरने से, तो इतना निमित्त पना तो आ गया, तो मानना हो तो मानो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी मान सकते हैं। पराकलंग के स्वामी ने इस तरह से उसको यानी जीव पुद्गल का तो सब ओर से घटित किया, धर्म धर्म आदि का घटित नहीं किया। सहायता रूप उपकार में समस्या यही है ना कि यदि सहायता का अर्थ लोक में जिसे सहायता कहते कि भाई हमने आपको कुछ दे दिया तब तो सहायता किया, और छीन लिया तो अब धर्म में तो उसे भी सहायता ही कहेंगे। यानी हमने आपको दिया तो भी धर्म में भाषा यानी निमित्त की भाषा आएगी सहायता, और छीना तो भी निमित्त की भाषा में कहा जाएगा सहायता। अब लोग कहां मानता, दिया हो तो सहायता की और छीन लिया तो ये सब सहायता कहां, लूटा है वो तो। पर धर्म क्या कहेगा, यानी निमित्त का पर्यायवाची भी एक सहायता शब्द है ना, सहायक, तो छीनना भी सहायक होंगे। आपके पास से पैसे गए उसमें मेरी निमित्ता थी तो सहायता दी ना, और रुपए दिए तो भी सहायता दी, पर लोक में तो रुपए देने को तो सहायता मान लेंगे, छीनने को कौन सहायता मानेंगे। इसलिए लौकिक जो अर्थ है सहायता का वो अर्थ तो यहाँ लागू नहीं पड़ेगा, पर अपने जिनागम में जो निमित्त शब्द के पर्यायवाची हैं तो उसमें भी एक सहायक शब्द आता है, पर वो इसी निमित्त निमित्त संबंध के अर्थ में, तो वो लेना हो तो ले सकते। निमित्त का एक नाम सहायक भी है, इतना ही क्यों, बलाधान, उपकारक, ऐसे पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया नाम है, सहकारी, सहचारी, तो वो सब इस अर्थ में ही कहने मात्र काल प्रत्यासत्ति और भाव प्रत्यासत्ति यानी निमित्त निमित्त संबंध वाला, तो उस अर्थ में सहायक लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोक में जो सहायता शब्द प्रसिद्ध है उस अर्थ में लेना हो तो पूरी पूरी दिक्कत। परह पर उपग्रह जीवानाम, पर यानी दूसरा यानी एक का दूसरे के साथ उपग्रह उपकार होना, यानी निमित्त नियमित संबंध बनना परस्पर में, ये जीवों का परस्पर का उपकार है। परस्पर बोलते ना परस्पर, तो ये परस्पर वही तो है, तो परस्पर में मूल शब्द परह परह और व्यंजन अपनी विसर्ग संधि हो गई, परस्पर बन गया। पर यानी एक ये पर और एक ये पर और इनका इनके बीच में निमित्त नियमित संबंध बन गया, इसका नाम है परस्पर उपग्रह।
यानी कोई भी दो जीव हैं और उनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया। और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा, अभी अभी अपन ने उदाहरण लिए कि जैसे जिस समय मैंने कार्य किया अपने कमरे में उस समय इनने किया, तो ये कहेंगे हाँ बराबर कुछ ना कुछ तो सांठ गांठ रही होगी, नहीं तो एक साथ कैसे हो गया। जिस समय आप सोई उसी समय ये सोई, जिस समय आपने भोजन किया उसी समय इनने, तो बिना सांठ गांठ के कैसे हो गया, तो तीसरे को तो लग सकता। देखो ऐसा नहीं हो जाता होगा कभी कभी, आप इस तरफ से आते और आप उस तरफ से आते तो कभी कभी ठीक गेट पर एक साथ नहीं मिल गए होंगे, तो तीसरे ये देख रहे हो तो क्या कहेंगे, अरे साहब बहुत ही साठ गांठ करके आए आज तो, बिल्कुल एक साथ साठ गांठ थी नहीं। तो सहायता कह दिया जाए तो इसमें समस्या यही है ना कि सहायता शब्द यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से तो व्यापक है पर अपने लौकिक व्यवहार में वो संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हो गया ना, कि सहायता है ना दूसरों की मदद करना, और यहां मदद करने का अर्थ मात्र मदद करना नहीं है, उसका हड़प करना ये भी सहायता है। और दूसरों का हड़प करे कोई तो उसे लोक में सहायता कहेंगे कि सब इनने इनकी सहायता, क्या सहायता की कि इनके 1,000 रुपए छीन दिए, ये सहायता की तो लोक में उसे कहेंगे क्या सहायता। हाँ तो इसलिए ये लगाना यानी लोक के लौकिक व्यवहार में सहायता शब्द इतना संकुचित हो गया है कि वो एक दूसरे का मदद करने के अर्थ में तो मान लेती है जनता पर हड़प करने के अर्थ में नहीं मानती। और जबकि यहाँ सहायक शब्द हड़प करने के अर्थ में भी, यानी उसका बुरा किया तब उसे सहायता कहेंगे, इसलिए इन शब्दों से बचना, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही रखने। ऐसे बहुत सारे उपकारक आदि में भी कोई समस्या नहीं है पर उसमें बस मूल यही कि लोक में उपकार शब्द वो भलाई के अर्थ में जुड़ गया और जबकि यहां तो बुराई के अर्थ में भी है, यानी किसी ने एक ने दूसरे को चांटा मारा तो उसने उपकार किया और लोग में मानेंगे उपकार किया तो उसे कहेंगे बुरा किया, हाँ कुछ मदद की हो तो उपकार किया अर्थ मान लेंगे, ये समस्या है। तो इसलिए इन अर्थों से बचना, और आचार्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका जो प्रॉपर अर्थ है वो समझने का प्रयास करना। शब्दों में कहीं कोई समस्या नहीं, आचार्य ने प्रयोग किया है अपने धर्मद्रवादी के लिए सहाय प्रवृत्ति ऐसे शब्द टीकाओं में आए हैं, पर अभी अपने व्यवहार करने में समस्या इसलिए कि अपन ने उस शब्द का अर्थ संकुचित अर्थ में ले लिया, तो जैसे वो सहाय शब्द कहेंगे वो सब यही समझे कि हाँ इन्हें मदद की होगी, और जबकि वो सहाय शब्द अकेले मदद के अर्थ में नहीं है, वो तो हड़प की हो तो उसमें भी है, किसी को मारा हो तो उसमें भी है, ऐसा यानी व्यापक अर्थ है। अब काल द्रव्य का वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य, काल द्रव्य के जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों के प्रति क्या क्या उपकार, कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के जीव आदि सभी द्रव्यों के प्रति उपकार। ये वर्तना परिणाम आदि क्या है, ये प्रत्येक द्रव्य में जो निरंतर उत्पाद व्यय हो रहा प्रति समय बढ़ती वैसा काल द्रव्य में भी हो रहा, तो काल द्रव्य अपना तो स्वयं उपादान यानी काल द्रव्य में जो प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा तो वो तो उसका स्वयं उपादान है, और यहाँ प्रत्येक द्रव्य में जो उत्पाद व्यय हो रहा ये अपने अपने स्वयं के उपादान, पर उसमें निमित्त कौन, कि अपने में जो उत्पाद व्यय हो रहा उसमें निमित्तता काल द्रव्य की, काल द्रव्य के उत्पाद व्यय की निमित्तता अपने उत्पाद व्यय में, तो ये कहलाती वर्तना। और परिणाम कि वो वर्तना कुछ ज्यादा समय तक टिक जाए, यानी जिसको अपन कहें कि लगभग वैसी की वैसी पर्याय चलती रही, वही की वही तो नहीं, जैसे मनुष्य पन टिक रहा ना तो मान लो 70-80-90 साल तक टिका रहा, तो ये तो कहेंगे ना एक मनुष्य, तो ऐसी जो अवस्था है इसे कहेंगे परिणाम, यानी कुछ दीर्घकालीन एक जैसी अवस्थिति, तो कुछ दीर्घ काल तक एक जैसी स्थिति चलती रहे तो इसमें भी निमित्तता किसकी, काल द्रव्य की। तो ये वर्तना परिणाम क्रिया, फिर क्रिया में कि इसमें जो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के साथ ही परिणमन चल रहा, यानी इसको अपने यहां ले आए तो इसको यहां ले आने में जाने में तो निमित्त हुआ धर्म द्रव्य, पर जिस समय यहां से यहां आ रहा था उसी समय उत्पाद में भी तो चल रहा था ना, तो उस क्रिया में निमित्तता है काल द्रव्य की। इसको अपन यदि शास्त्रीय शब्दों में समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि
प्रत्येक द्रव्य में यानी छाओ में जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत अनंत भाववती शक्ति होने से भाव रूप क्रिया तो प्रत्येक द्रव्य में होती और क्रियावती शक्ति है मात्र जीव और पुद्गल में, तो क्रिया रूप परिणमन ये मात्र जीव और पुद्गल का। तो क्रियावती शक्ति का कार्य क्या कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना यानी स्थान से स्थानांतर होना, तो ये जो परिणमन है इसमें निमित्तता है काल द्रव्य की, और जो निरंतर परिणमन चल रहा उसमें भी निमित्तता काल द्रव्य की। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो जो गति हुई उसमें निमित्तता तो धर्म द्रव्य की, और उस गति के समय भी परिणमन चल रहा ना, उत्पाद में चल रहा ना, तो उसमें निमित्तता उसी समय काल द्रव्य की चल रही है ना। जिस समय अपन यहां से यहां आए तो दो कार्य हुए, एक तो इतना स्थान अपन ने लांघा और उसी समय उत्पाद में भी चला, तो जो वो स्थान का उल्लंघन हुआ यानी यहां से यहां पहुंचे तो इस स्थान में तो निमित्त बना धर्म द्रव्य, और इसी समय जो उत्पाद में चला उसमें निमित्त बना काल द्रव्य। तो एक क्रिया होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उस समय भी जो उत्पाद में चल रहा उसमें काल द्रव्य की निमित्तता। फिर परत्व और अपरत्व ये है तुलनात्मक, जैसे ये इतना बड़ा हो गया, ये इससे छोटा है, ये लंबा है, ये ठिगना है, ये यानी इस तरह का जो भी होता ना, ये अभी एक घंटा बीत गया, बहुत लंबा समय बीत गया, तो ये सब जो है इसमें भी काल द्रव्य की निमित्तता। यानी काल दूर है पास है, तो दूर पास का कैसे नापेंगे कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता, ये दूर पास का आप कैसे नापेंगे। तो आज तो ये रास्ता पार करना बहुत कठिन हो गया, ऐसे लगा जैसे बहुत दूर से आ रहे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता तो उतनी ही रास्ता अपन रोज पार करते और कभी लगता कि आज तो बहुत ही लंबी रास्ता लग रही है, क्या बात है आज कोई क्षेत्र बढ़ गया क्या, और कभी जल्दी पार हो जाती। तो ये जल्दी और दूरी का व्यवहार कैसे बना, रास्ता तो उतना ही है। यानी आप अपने कमरे से निकल के यहां आए और बीमार हो तो ये रास्ता कितनी दूर लगती, अरे साहब इतनी रास्ता आज हम 5 मिनट में पार कर पाए और रोज 1 मिनट में, तो ये आज दूर हो गई और वैसे पास थी तो जगह तो उतनी की उतनी थी, तो दूर पास का आधार क्या कि समय कितना लगा, तो समय से अपन लगाएंगे कि दूर लगा कि पास लगा। ये सब ऐसे छोटा और बड़ा, क्या आप हमसे छोटी हैं कि बड़ी, तो छोटी बड़ी का मतलब क्या, मोटाई लंबाई कि नहीं उम्र, और उम्र का संबंध काल से, यानी इस शरीर को पाए हुए आपको कितना समय हो गया, मुझे कितना समय हो गया, उसके आधार से हम निर्णय करेंगे कि आप मुझसे छोटी हैं कि बड़ी। तो इस सब में काल निमित्त बनेगा। ये जो तुलनात्मक होता है इसे बोलते परत्व, सब प्रकार का तुलनात्मक, यानी तुलनात्मक जितना जो कुछ होता है उस सब का एक नाम परत्व अपरत्व। तो इस सब में भी काल द्रव्य की निमित्तता होती। ये दिन छोटे हैं दिन बड़े, जब गर्मी में दिन बहुत बड़े बड़े होते, ठंड में दिन बहुत छोटे छोटे होते, तो ऐसा होता गर्मी में इतना बढ़ जाता होगा ठंड में इतना सा रह जाता होगा, है नहीं, काल से ही वो 12 घंटे का 14 घंटे का हो गया 12 वाला तो बड़ा कह दिया अपन ने, और वो 10 का रह गया तो छोटा कह दिया। कोई वैसा लंबा चौड़ा थोड़ी होता है कि बड़ा वैसे इतना होता होगा फिर इतना सा रह जाता होगा, बस घंटे का समय का। यानी परत्व अपरत्व यानी परस्पर की तुलना वाला, तो इसमें भी निमित्तता है काल द्रव्य की। यहां तक एक प्रकरण हुआ। अब ये जो जिन द्रव्यों की चर्चा की थी उनका सामान्य लक्षण बता रहे, तो मूल में तो पुद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण वंता पुद्गला, ये पुद्गल द्रव्य स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, यानी उसके विशेष गुण हैं। अब इनकी पर्याय, शब्द बंद शौच में स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत वंतश्च, शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान यानी आकार भेद टुकड़े टुकड़े करना, तम अंधकार छाया परछाई आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। क्या कहना चाहते, बहुत सारे सभी तो पुद्गल की, तो यही क्यों गिनाई, गिनाते माइक टेबल कपड़े बर्तन ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ऐसी क्यों नहीं गिनाई है ना, उनको गिनाने बैठे कि जिनका विश्लेषण करना पड़े, सीधा सीधा गिना, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय, बात खत्म हो जाती।
कि इन सबको तो अपन मान लेते हैं ना, तो जिनको अपन पौद्गलिक मान रहे हैं उनको पुद्गल सिद्ध करने में आचार्य देव अपनी शक्ति क्यों खर्च करते हैं? वे तो अपनी शक्ति उसको समझाने में खर्च करेंगे कि जिसे अपन पुद्गल का मानने को तैयार नहीं है, हैं तो पुद्गल की कि शब्द अपन बोल रहे है तो पौद्गलिक, भाषा वर्णना का कार्य है, पर अपनी अकड़। देखो कितना अच्छा बोलते हैं, देखो बिल्कुल फ्लो में चलता हमारा प्रवचन, कहीं भी बीच में गैप डिस्टर्ब नहीं होता, लिंक नहीं टूटती, कितना बढ़िया हो, कितनी मधुर आवाज है। तो किसकी आवाज थी, किसका फ्लो था, और स्वर बहुत बढ़िया स्वर है हमारा, बहुत बढ़िया राग है, सुरीली राग है, कोकल कंठी किसका। तो ये आचार्यों को स्पष्ट दिख रहा कि ये यहां धोखा खा रहा है, यानी सारा कार्य है तो पुद्गल का, वो ये अपना कब्जा उस पर जमाए बैठा, इसको ये नहीं मानता कि ये पुद्गल का, इसलिए वो पर्याय यहां उन्होंने गिनाई। यानी चाहते तो ये सब गिना सकते थे, बात एक सेकंड में खत्म हो जाती, पर इन सबको तो अपन मान रहे हैं ना, इसको कौन कहता है कि जीव का ये हमारा कार्य है, पुद्गल स्पष्ट पुद्गल है। पर आवाज आदि जो भी ये शब्द आदि है, यद्यपि पूर्णतया पुद्गल के, पर माने बैठे कि हमारा, और कितनी कितनी अकड़ होती उस पे, अकेली अकड़ नहीं दीनता भी, मान लो कोकिल कंठी नहीं हो, काक कंठी हो तो अरे रे हमारी आवाज तो अच्छी नहीं है, हम तो भजन नहीं बोलेंगे, क्यों, अरे साहब काक कंठी है हम तो, हमारे कौन सुनेगा, तो दीनता भी, और कोकिल कंठी हो तो जहां अवसर मिले वही। यानी हर एक में यानी शब्द आदि रूप परिणमन ये पूरा का पूरा पुद्गल का है, और ये अज्ञानी जीव इतने अच्छे स्तर से उस पर अधिकार जमाए बैठा है कि मानने कोई तैयार नहीं कि इसमें मेरा कुछ हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए आचार्य देव ने वो पर्याय स्पष्ट गिनाई। ऐसी बंद कि जो भी ये संगठन हुआ, किसका है लड्डू बना, किसने बनाया, मैं बहुत बढ़िया, देखो बिल्कुल गोल गोल, तुमसे नहीं बनते गोल गोल, तो किसने बनाए थे, कि वो गोल गोल पूरा पुद्गल का था, वो अपना अपना घमंड, कि तो लड्डू तुम नहीं बांधना, क्यों, तुमसे गोल नहीं बांधते, हम बांधेंगे लड्डू। कह रहे जो बंधन हुआ है ये सारा पुद्गल का कार्य है, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। देखो टेबल कितनी बढ़िया बन, देखो इतने जोड़ है पर कहीं जोड़ दिखते नहीं, तो ये जो बंधन हुआ ना किसने बांधा, वो कारीगर कहेगा वो क्या बोलते हैं लकड़े में बड़े बड़े, तो बड़े कहेंगे देखो कितनी बढ़िया मेरी कलाकृति, देखो इतने सारे जोड़ होने पर भी कहीं आप जोड़ दिखा सकते, कितना बढ़िया बांधा मैंने, ये बंधन किसका कार्य था। यानी है पुद्गल के कार्य, और ये जीव अपने कर्तृत्व के अहंकार को पुष्ट करता हुआ उन्हें पुद्गल का नहीं मानता, इसलिए आचार्य देव ने अलग से बे पर्याय गिनाई। ऐसे सूक्ष्म आटा खूब बारीक पीसते, कौन पीसता कि सब ये पीस के लाना बहुत मोटा, ये बारीक पीसते अपन तो इनसे पिसवाएंगे, कौन पीसता बारीक, कि वो स्थूल से सूक्ष्म बना ये पुद्गल बना है, ये पुद्गल का कार्य है, उसमें अपना कुछ भी नहीं है, कि नहीं अब तो हम बहुत दुबले होते जा रहे हैं, पहले बहुत मोटे थे, ये बहुत पहले दुबली थी अब मोटी होते जा रहे हैं, तो कौन, तुम। यानी स्थूलता और सूक्ष्मता ये है पूर्णतया पुद्गल की, और ये जीव अपनी माने बैठा, उसको पुद्गल की मानने कोई तैयार नहीं, मैं मोटा मैं पुद्गल मैं पतला, तो आचार्य देव ने जानबूझ करके उन उन पर्यायों को चुन चुन करके रखा कि कम से कम इस बहाने से एक बार इसके चिंतन में आवे तो कि ये सब पुद्गल का कार्य है मेरा नहीं। यानी मोटा पतला जीव नहीं होता, मोटा पतला पुद्गल होता है, ये पुद्गल का कार्य है। सूक्ष्मता इस सूक्ष्मता है ना पतलापन बारीकपन, और स्थूलता मोटापन, ये सब पुद्गल का कार्य है। ऐसे संस्थान आकार, देखो मेरा फेस कट कितना बढ़िया है ना, शेप भी बढ़िया, किसका किसका, यानी हम तो बहुत बड़े, देखो समचतुर्भुज संस्थान, कौन, ये सब पुद्गल के हैं, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे देख देख करके अकड़ना नहीं, तो ये सारी अकड़ अपनी खत्म हो इसलिए उसे गिनाया। ऐसे भेद टुकड़े टुकड़े करें, देखो हमें इतनी क्षमता, चाहे तो एक सेकंड में इसको दो भागों में बांट सकते बिल्कुल बराबर बराबर, और चाहे तो दस कर सकते, तो वो चक्रवर्ती अकड़े अथवा चक्रवर्ती की पटरानी अकड़े,
मैं इस हीरे को अपने हाथ से मसल के चूर्ण कर दूंगी। तो कौन कर देगा चूर्ण, कौन बनाएगा भेद? वो पुद्गल में क्षमता है, इसलिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी किसी भी चीज के खंड खंड किए, ये सब पुद्गल का कार्य है, जीव का नहीं। ऐसी तम अंधकार, इसके साथ तो और ही समस्या। यानी अंधकार और प्रकाश को तो कोई चीज ही मानने को तैयार नहीं, यद्यपि है सर्वव्यापक, पर लगता ही नहीं कि यहां कोई चीज भरी है। वो सुना होगा ना उदाहरण, एक प्रतियोगिता हुई कि हॉल में जितनी चीजें हैं सबकी लिस्ट बनाओ, तो सबने लिस्ट बनाई, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज का भी नाम उल्लेख कर दिया। यानी चटाई का एक तिनका पड़ा था ना, उसको भी लिख दिया। फिर जांचा गया, तो जांचा तो सबको जीरो। तो गुस्सा हो गए वो सभी विद्यार्थीगण, लड़ने को तैयार हो गए, हड़ताल करने को तैयार हो गए कि बताओ कौन सी चीज छूटी। यानी एक तिनका तक का नाम लिख दिया है हमने, उसको भी लिस्ट में ले लिया, और फिर भी आपने जीरो दिया। तो परीक्षक ने कहा, तिनका कितने हिस्से में था? यहां पड़ा था। और वो दिखा किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। और प्रकाश कितने हिस्से में था? यानी माइक इतने में होगा, टेबल इतने में होगी, तिनका इतने में होगा, और प्रकाश कितने में था? और इतना जो कुछ दिखा सब प्रकाश की वजह से दिखा ना। तो बोलो आप लोगों में से किसने उसका नाम लिखा? हमने कहा था ना कि हॉल में जितनी चीजें सबका नाम लिखना, तो प्रकाश नाम की एक चीज थी कि नहीं थी? वो तो सर्वव्यापक, यानी बाकी तो थोड़े थोड़े से हिस्से में होंगी, वो तो पूरे हॉल में ऊपर नीचे सब जगह ठसा ठस भरा था ना। तो इतनी बड़ी चीज को तुम नहीं नाम में, यानी इतनी बड़ी चीज का उल्लेख नहीं कर सकते, इतनी बड़ी चीज तुम्हें नहीं दिखी, तो कैसे हम कहेंगे तुमने सही लिस्ट बनाई? यानी छोटी छोटी चीजें दिख गई, जो इतने इतने से क्षेत्र में थी वो दिख गई, जो इतना सर्वव्यापक पूरा सब ओर भरा हुआ था वो नहीं दिखा। यानी ये सब पुद्गल भरा है, ये अपन मानने को ही तैयार नहीं। खाली हॉल तो पूरा खाली है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां अंधकार भरा पड़ा, यहाँ उजेला भरा पड़ा, कुछ भी नहीं, खाली है हॉल, अपने को खाली खाली दिखता। यानी अनंत अनंत द्रव्य रह रहे हैं और अपन उनकी सत्ता मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए आचार्य देव ने उनको गिनाया कि अंधकार ये भी अपन दोनों को ही नहीं मानते ना। वहां देख, वहां पूछा जाए कि वहां वो कोना है ना, वहां क्या क्या है, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा, खाली पड़ा, अंधकार नहीं भरा पड़ा वहां। वहां ना उजाला है ना अंधेरा है, क्योंकि उजाला और अंधेरा है पुद्गल का परिणमन है, और वहां पुद्गल नहीं है, आकाश है। कुछ ना कुछ क्या, अकेला आकाश द्रव्य तो, और कुछ ना कुछ क्या, बाकी द्रव्य तो लोक आकाश में रहते हैं। आकाश में एकमात्र आकाश, आकाश के अलावा कुछ नहीं। यानी उजेला अंधेरा ये पुद्गल का परिणमन है, और पुद्गल मात्र लोक आकाश में है, इसलिए अंधेरा उजेला लोक आकाश में होता। अब इसके बाद आतप, आतप है ना प्रकाश, प्रकाश भी ऐसा वैसा नहीं, ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, यानी जो सूर्य का विमान है, सूर्य जो देवता है ना, ज्योतिषी देव, तो उसका रहने का स्थान जो अपने को दिखता, वो उसका रहने का स्थान विमान है। तो वो पृथ्वी कायिक जीवों का शरीर है, यानी पृथ्वी कायिक जीवों से बना हुआ है वो। तो उसमें एक विशेषता होती कि उनका मूल तो होता है ठंडा और प्रभाव होती गर्म। यानी मूल जो विमान है ना, वो विमान तो ठंडा है, जैसे इसको स्थूल उदाहरण से अपन समझ सकते कि कूलर तो गर्म हो गया और कूलर की हवा ठंडी है, बाहर लगा रखा ना कूलर, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो कूलर को छुएंगे तो कैसा लगेगा? अरे सब बहुत तप रहा, कूलर के जो लगे हैं ना लोहे के, तो उसको छुएंगे तो कैसा होगा? बहुत गर्म गर्म, और उसमें से हवा कैसी आएगी? उदाहरण स्थूल समझना, क्योंकि वो तो कृत्रिम तपने से है, पर एक समझने की दृष्टि से। तो ऐसे सूर्य का विमान है कि मूल में तो है ठंडा और उसकी प्रभा है गर्म, इस तरह का जो प्रकाश है वो कहलाता आतप। यानी मूल ठंडा और प्रभा गर्म,
यानी ये शंका नहीं लेना कि जब उसकी प्रभा यहाँ आती तो इतनी गर्मी लगती तो उन ज्योतिषी देवों का क्या होता होगा, वे तो बेचारे जल ही जाते होंगे, है नहीं? वो तो पूरा ठंडा है, यानी अंदर से मकान तो पूरा ठंडा है, ये तो बाहर की किरणें गर्म है। तो यह सब प्रकाश आतप कहलाता हूं। और उद्योत ये चंद्रमा का प्रकाश अथवा अपने जुगनू आदि के मूल में भी ठंडा और प्रभा भी ठंडी। यहां कहते हैं सारा का सारा परिणमन पुद्गल का, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। अब चूंकि पुद्गल में स्कंद और अणु ऐसी व्यवस्था, तो वो उन भेदों को गिना रहे और फिर वे भेद कैसे बनते ये चर्चा। अणु स्कंधाश्च, अणु और स्कंद, इस तरह पुद्गल के दो भेद हो जाते। ये पुद्गल के दो भेद नहीं है, पुद्गल का परिणमन इस तरह का हो जाता है। कभी एक अकेला परमाणु बसता है और कभी अन्य के साथ मिलकर के स्कंद बन जाता। अब वो स्कंद कैसे बनता, तो उसमें से जो चाक्षुष स्कंद होते, यानी अपने को आंखों से दिख सके, इंद्रियगम्य हो सके, तो भेद संघातेभ्या उत्पद्यन्ते, के भेद से और संघात से उनकी उत्पत्ति होती। यानी स्कंद और अणु ये कैसे बनते, कि अणु से स्कंद कैसे बन जाएगा, कि संघात से, यानी अनेक अनेक परमाणु मिलते जाएं तो मिलते 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 स्कंद हो जाएगा। एक में दो में दूसरा मिला तो स्कंद, तो तीन का चार का पांच का संख्यात का असंख्यात का अनंत का। और फिर स्कंद से अणु कैसे बनेगा, तो वो टूटता जाए तो टूटते टूटते अणु बन जाएगा। तो इस तरह भेद से और संघात से अणु और स्कंद रूप परिणमन होता। भेदादणु, परंतु अणुरूप परिणमन मात्र भेद से होता, यानी टूटता 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 जाए तो एक परमाणु बनता। और जो चाक्षुष स्कंद है वो ये भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, ये भेद और संघात इन दोनों से बनते हैं चाक्षुष स्कंद, यानी अपने को जो इंद्रिय गोचर हो तो इनमें भेद भी आवश्यक और संघात भी आवश्यक, यानी टूटे भी और मिले भी तो अपने को दिखने लगेंगे। यहां तक चर्चा हुई है पुद्गल की। अब संपूर्ण द्रव्यों का स्वरूप, यानी उसे द्रव्य क्यों कहते, इसकी चर्चा। सत द्रव्य लक्षणम, सत ये द्रव्य का लक्षण है, सत है विद्यमान का, यानी हमेशा रहना, बस इतना मात्र पर्याप्त है द्रव्य के लिए कि द्रव्य क्या है जो हमेशा रहे, तो सत ये द्रव्य का लक्षण। अब सत किसे कहना, कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय और ध्रुवता से सहित सत है। उत्पाद व्यय परिणमनशीलता, ध्रुवता स्थायित्व, यानी परिणमनशीलता से युक्त स्थायित्व ये द्रव्य का लक्षण है, यानी निरंतर स्थायी रहते हुए परिणमन करना और परिणमन करते हुए स्थायी रहना, ये सत कहलाता है, ये विद्यमानता कहलाती और ये प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है, स्वरूप है। तद भावाव्ययम नित्यम, अब नित्य किसे कहना, यानी ध्रुव, तो ध्रुवता किसे कहना, कि तद भाव अव्ययम, उसका जो अपना भाव है, उसका जो अपना स्वभाव है, उसका जो अपना स्वरूप है, उससे व्यय नहीं होना, यानी उसका अभाव नहीं होना, इसका नाम नित्यता। क्या कहना चाहते, कि नित्यता का अर्थ कूटस्थ से नहीं है, यानी बिल्कुल एक जैसा बना रहा, इसका नाम नित्य नहीं। तो क्या, कि जो वस्तु जिस रूप में है निरंतर उस रूप में रहे, ये उसकी नित्यता। अपनी जो समय सार की गाथा में आए ना संवरत कार्य में, ये जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य माना जीवा एव न अजीवा, अजीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य माना अजीवा एव न जीवा, इसका नाम नित्यता। कि निरंतर परिणमनशील होने पर भी और ऐसा परिणमन अनंत अनंत काल तक चलते रहने पर भी जीव कभी भी अजीव नहीं हो जाएगा और अजीव कभी भी जीव नहीं होगा, इसका नाम नित्यता। यानी जिसका जो लक्षण है, जिसकी जो स्वचतुष्टयात्मक सत्ता है, उस रूप निरंतर बना रहना, इसे नित्य कहते, यानी ये ध्रुवता, ध्रुवता का ये स्वरूप। अब किसी को प्रश्न उठाओगे, सभी तो बहुत उल्टी उल्टी बातें हो गई, स्थायित्व और परिणमन, यानी टिकना और बदलना, तो ये एक साथ कैसे संभव, नहीं है संभव।
रहने में तो कोई दिक्कत है नहीं, जानने में भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अर्पिता नर्प सिद्ध, अर्पित और अनर्पित के कारण इसकी सिद्धि हो जाती। अर्पित यानी जिसे अपन मुख्य करना चाहते, जिसके संबंध में चर्चा करना चाहते, और अनर्पित यानी जिसे अपन गौण करना चाह रहे, जिसको अपन चर्चित नहीं करना चाह रहे। तो इन दोनों का व्यवहार संभव है मुख्य और गौण व्यवस्था से। अर्पित यानी मुख्य विवक्षित चर्चित, और अनर्पित यानी गौण अविवक्षित अचर्चित। तो इसके माध्यम से इनकी सिद्धि हो जाती, यानी मुख्य गौण के माध्यम से काम चला सकते। अब ये क्यों ऐसा कहना पड़ा? कि किसी ने प्रश्न उठाया होगा कि सब वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, और आपने कहा नित्यता का अवलंबन लो, अपने को त्रिकाल एक रूप रहने वाला ध्रुव तत्व तो देखो। तो जब उस ध्रुव तत्व के साथ में निरंतर उत्पाद व्यय चल रहा है तो हम ध्रुव तत्व तो कैसे देख सकते? तो इसके उत्तर में उन्होंने कह दिया अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि देख सकते हो, उस अनित्यता को गौण कर दो, दृष्टि में उपेक्षित कर दो, अचर्जित कर दो, अमुख कर दो, देख सकते हो। और देखने की कला अपने में आती है, बहुत कला, बहुत एक्सपर्ट है इसमें। एक बच्चा बढ़ते 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 15 साल का हो गया, तो वही है कि बदल गया हो? बिट्टू वही है कि बदल गया? तो अनित्यता में नित्यता दिख रही कि नहीं? वही वही वही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा। इतना बड़ा हो गया ना, जब जन्मा तो इतना सा था, तो इतना सा था और इतना बड़ा हो गया तो बाप का कैसे रहा? नहीं वही। तो अनित्यता में नित्यता दिख रही ना निरंतर, तो कहां परेशानी है? यानी उसमें निरंतर नित्यता और अनित्यता दोनों विद्यमान है, तो भी अपन एक को गौण करके और दूसरे को मुख्य करके आराम से उस पक्ष को देख लेते। जब नित्यता देखनी होती, वही वही देखना होता, तो आसानी से देख लेते, कोई परेशानी नहीं जाती। और जब अनित्यता देखनी होती तो भी नित्यता कोई बाधक नहीं। नहीं देखो, आप तो काफी बढ़ गए, बहुत बड़ा हो गया, तो अनित्यता दिख गई। अब बहुत बड़ा हो गया तो उसमें ये तो शंका नहीं उठी, यानी वो बड़ा हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे बेटे की जगह दूसरे का बेटा आ गया हो, वो भी कोई बाधा नहीं। यानी अर्पित और अनर्पित के कारण आसानी से अनित्यता के बीच में नित्यता देख सकते हैं और नित्यता के बीच में अनित्यता देख सकते हैं। इन दोनों की एक साथ उपस्थिति उसको दृष्टिगत करने में कहीं भी बाधक नहीं बनती। अब ये चूंकि बीच के सूत्र थे जो शुरू में चर्चा की थी ना, कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण भेद विज्ञान के लिए कराने में सक्षम और मूल वस्तु स्वरूप, उसको बीच में रखा। अब चर्चा तो मूल पुद्गल की चल रही थी, पुद्गल का स्कंद रूप परिणमन की, तो फिर से वहीं आ गए। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, ये पुद्गल एक परमाणु रूप में स्वतंत्र, उसका बंधन कैसे हो जाता, वो स्कंद बन कैसे जाता? तो उसका कारण बता रहे कि स्निग्ध और रूक्षता के कारण बंध हो जाता। यानी पुद्गल का जो स्पर्श नाम का गुण है, उसकी मुख्य 8 पर्याय, उसमें 2 पर्याय एक स्निग्ध रूप और एक रूक्ष रूप, तो स्निग्ध और रूक्षता के कारण उनका परस्पर में बंधन हो जाता। पर चाहे जिसका चाहे जैसा नहीं, ना जघन्य गुणानाम, कि जब वह जघन्य गुण वाला होगा तब बंधन नहीं होगा। जघन्य गुण मतलब कि स्निग्धता और रूक्षता का जब मात्र एक अभिभागी प्रतिच्छेद रहेगा, यानी स्निग्धता का मात्र एक अंश अथवा रूक्षता का एक अंश, तो बंधन नहीं होगा। तो कब होगा? एक से अधिक होंगे, 2 आदि होंगे तो। और गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर सदृशों का भी बंध नहीं होगा। यानी एक में भी 2 गुण स्निग्धता के और दूसरे में स्निग्धता के 2 गुण, तो नहीं बनेगा। वो कब बनेगा? द्वधिकादि गुणानाम, तो 2 अधिक गुणों का ही बंधन होगा। यानी एक में 2 हैं, दूसरे में 4 हों, एक में 3 हैं, दूसरे में 5 हों, एक में 4 हैं, दूसरे में 6 हों, यानी 2 अधिक होंगे तो ही बंधन होगा। और 2 की अधिकता होने पर समान का भी असमान का भी सबका बंधन हो जाएगा। यानी स्निग्ध स्निग्ध बन सकता, रूक्ष रूक्ष बन सकता है, स्निग्ध रूक्ष बन जाता और रूक्ष स्निग्ध बन जाता। कैसे? घी है ना, चिकना है, और ठंड में पूरा एक पिंड हो गया। यानी कैसा एक पिंड? कि पूरा आप ऐसा निकाल लो, बर्फ को ले लो, कि बर्फ पानी पूरा रूखा है ना, कितना रूखा, कि सारी चिकनाई धो डाले इतना रूखा, और उसे धोने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं रहती।
इतना रूखा और आपने बर्फ जमाई तो पूरा एक पिंड हो गया, फिर रूखा रूखा बंध गया और चिकना चिकना बंध गया, और रूखा चिकना और चिकना रूखा ये तो स्पर्श सब है ना इसके प्रतीक। ये सीमेंट चिकना था, बालू रूखी थी, और वो दो का अनुपात बना के उसने मिलाई तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये रूखा चिकना और चिकना रूखा का, यानी यदि दो गुणों की अधिकता है, अभी गुणियन है शक्ति के अंश यहाँ, तो यदि शक्ति के अंशों में दो की अधिकता है तो उसी गुण उसी समान गुण वाले यानी स्निग्ध स्निग्ध अथवा रूक्ष रूक्ष, और विषम वाले यानी स्निग्ध रूक्ष रूक्ष स्निग्ध, इन सबका बंधव हो जाता। अब बंधव होने के बाद क्या होगा कि बंदेदि कहु पारी नाम कहु च, कि बंध होने पर अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमित करा लेगा। यानी गुड़ का इतना बड़ा टुकड़ा था और पड़ा था तो धूल मिट्टी इतनी सी आई और उस पर चढ़ गई तो क्या होगा, मिट्टी हो जाएगी। और रेत का इतना बड़ा टुकड़ा था, धूल मिट्टी का इतना ज्यादा अंश था और उसमें इतनी सी गुण की कणिका गिर गई तो वो धूल मिट्टी हो जाएगी। यानी बंद होने पर अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता। अब इसके बाद फिर वस्तु व्यवस्था परक गुण पर्याय बद द्रव्यम, ये द्रव्य की दूसरी परिभाषा, वहां कहा था उत्पाद ध्रुविकतम सत्सद्रव्य लक्षणम। अब इसको दूसरे शब्दों में कहें तो गुण पर्याय बद द्रव्यम, यानी द्रव्य गुण और पर्याय वाला है, उत्पाद व्यय पर्याय द्रव्य गुण, इस तरह गुण पर्याय बद द्रव्यम। अब जो ये द्रव्य है अथवा इसकी पर्याय वो कितनी, कि सोनंत समय, वह अनंत समय वाला है। यानी प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, उसके गुण भी अनादि अनंत हैं और उसकी पर्याय भी अनादि अनंत अनंत हैं। और गुण किसे कहते, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, अपन सुबह इस पर चर्चा कर ही चुके कि जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं परंतु एक गुण दूसरे गुण में ना हो, एक विशेषता दूसरे में ना हो, यानी परस्पर अगुण हो, वे गुण कहलाते। अब दो विशेषण क्यों दिए, क्योंकि द्रव्य के आश्रित तो पर्याय भी रहती ना, पर्याय कोई बात तो रहती ना द्रव्य में ही, तो फिर पर्याय को भी गुण का हो ना कि नहीं कहेंगे, क्यों वो निर्गुण नहीं है ना, वो अनादि अनंत स्थायी नहीं ना, तो अनादि अनंत स्थायी हो, निर्गुण हो और फिर द्रव्य के आश्रय रहे तो गुण कहलाएगा। अब चर्चा एक अलग से द्रव्य की कर रहे कालश्च, कि काल भी एक द्रव्य है, कि अलग से चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं ना कि जो काल को नहीं मानते, अपने श्वेतांबर भाई नहीं मानते, उनके यहां पांच द्रव्य माने जाते, काल द्रव्य नहीं माना जाता, तो काल भी द्रव्य है ये स्वीकृत कराने के लिए अलग से लिख दिया कि कालश्च, कि काल भी बिल्कुल ऐसा ही द्रव्य है। यानी उत्पाद ध्रुविकतम सत सद्रव्य लक्षणम और गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सारी विशेषताएं काल द्रव्य में पाई जाती हैं, इसलिए वो जीव के समान ही बिल्कुल स्वतंत्र एक द्रव्य है, अकेली पर्याय नहीं। अब पर्याय की परिभाषा, तदभावा परिणामा, उनका होना परिणमन करना बदलना ये पर्याय कहलाती, उनका होना परिणमन करना यानी द्रव्य और गुणों का होना परिणमन करना ये पर्याय, तो द्रव्य का परिणमन ये व्यंजन पर्याय और गुणों का परिणमन ये अर्थ पर्याय, तो इस तरह से उनका होना परिणमना बदलना ये पर्याय। समझ, हाँ काफी अंतर है, सूत्रों में भी काफी अंतर है। कैसा, एक पूरा लोक व्यापी महास्कंद है, ये जो तीन लोक का आकार दिखता ना ये सब पुद्गल का ही तो है, अलग अलग है ना, हाँ हाँ एक स्कंद है वो लोक व्यापी महास्कंद, उसका नाम है लोक व्यापी महास्कंद, तो वो तो जीव मात्र लोक पूर्ण समुद्घात में व्याप्त होगा, अरे लोक व्यापी महास्कंद तो अनादि अनंत है, पुद्गल एक है, पुद्गल तो एक प्रदेश ही है, पर अनंत अनंत पुद्गल मिलकर के जो ये लोकव्यापी महास्कंद बने वो अनादि अनंत।
यानी यद्यपि उसमें से कितने ही परमाणु निकलते जा रहे और कितने ही परमाणु नहीं आते जा रहे, पर फिर भी वो अनंत की संख्या कभी विच्छेद को प्राप्त नहीं होगी और वो निरंतर बना रहेगा। स्वतंत्र पुद्गल तो एक परदेशी है, पुद्गल स्कंद का ही तो कहा ना कि पुष्क। तो सुमेर पर्वत सबसे बड़ा नहीं है, लोक व्यापी महास्कंद ये सबसे बड़ा है। सुमेर पर्वत तो उसके सामने बहुत छोटा है, क्योंकि वो तो मध्यलोक की एक साधारण सी रचना। यही सब जो है ना, ये जो तीन लोक का जो आकार दिखता है ना, वो आकार वो लोक व्यापी महास्कंद। मूल तो अपन नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा अपन ले तो मात इतना ही समझना कि अपने से भिन्नता बतानी थी तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए, तो एक बिंदु ये भी ले लिया उसमें से। भिन्नता बताने तो हमारी द्रव्य व्यवस्था अलग, हमारी तत्व व्यवस्था अलग, हमारे देव अलग, हमारे शास्त्र अलग, हमारे गुरु अलग। तो द्रव्य व्यवस्था में ये बता दिया कि पांच द्रव्य होते, तुम्हारे यहाँ छह मानते, तो हम अलग तुम अलग। नहीं, बाकी बहुत सारे तत्वा सूत्र में भी बहुत सारे सूत्र ऐसे। आपको ज्यादा जिज्ञासा हो तो एक सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है, इसकी टीका, उसका संपादन और अनुवाद पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने किया था, अपने भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो उसमें परिशिष्ट में तत्वा सूत्र, दिगंबर तत्वा सूत्र के सूत्र और श्वेतांबर तत्वा सूत्र के सूत्र, इनमें कौन कम और कौन यानी कितने कम और कितने ज्यादा और किस किस अध्याय में कितने कितने, इस सारा विस्तार से वहां दिया है। उसको देख सकते, यहाँ भी होगा अपनी लाइब्रेरी में भी तो पूरा उसमें। इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्यायः।